नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल सिंह चौहान। और दोस्तों, आज का वीडियो कि आप अपने एक्वेरियम को किस तरीके से साफ करें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग एक्वेरियम को शौक में ख़रीद लाते हैं, लेकिन उनकी मछलियां जो है मरने लगती हैं और वो एक्वेरियम अपना बंद कर देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि आप अपने एक्वेरियम का किस तरीके से ख्याल रखें और किस तरीके से सफाई करें। या आपको इसमें गंदगी सब लगी हुई दिख रही होगी। एक्वेरियम का सही साफ ना होना भी मछलियों का मरने का एक कारण है। अगर आप अपने एक्वेरियम की साफ़ सफाई सही से रखेंगे और किस तरीके से साफ करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपका दोस्त राहुल सिंह। सब्सक्राइब कीजिए द किंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपको एक्वेरियम को साफ करने के लिए पहले आपको एक नेट की आवश्यकता है। ये मछलियों को निकालने का काम आता है और ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। अपनी कहीं लोकल मार्केट से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बाल्टी में आपको आधा बाल्टी पानी लेना है और बाल्टी का टेम्परेचर पानी का लगभग उतना ही होना चाहिए जितना आपका एक्वेरियम है, जिससे कि आपकी मछलियाँ जो हैं मरेंगी नहीं। तो टेम्परेचर अलग अलग होता है तो मछलियाँ क्या बीमार पड़ जाती हैं। इस नेट की सहायता से आपको मछलियों को बड़ा सावधानी से निकाल लेना है, एक एक करके धीरे धीरे निकाल के आपको इस बाल्टी में मछलियों को डाल लेना है। दोस्तों, ध्यान रहे कि मछलियां जो है निकालते समय काफ़ी तेज कूदती हैं और ये गिर के मर जाती हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से निकालना है कि मछलियों के कहीं चोट ना लग जाए। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये एक साइफन है जो कि आपको ये 100-150 रुपये में मिल जाएगा। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या आप अपने लोकल मार्केट से भी इसको खरीद सकते हैं। इससे आपको पानी निकालने में काफ़ी आसानी होती है। अगर आपका छोटा टैंक है तो आप बाल्टी से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप बड़े टैंक को खाली करने के लिए साइफन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 4-5 बार आपको यहाँ पे प्रेस करना है और पानी जो है एक्वेरियम का निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसमें एक लंबा पाइप लगा रखा है, उसके जरिए मैं पानी को बाहर निकाल रहा हूँ। देखिए, पानी निकलना शुरू हो गया। आप भी इसी तरीके से एक्वेरियम का पानी खाली कर सकते हैं। दोस्तों, बीच बीच में एक्वेरियम के पत्थरों को आपको हिलाते रहना, जिससे जो भी डस्ट उसके अंदर बैठा हुआ था गंदगी वो पानी के साथ ऊपर उतरा के ऊपर आ जाए, जिससे कि इस पाइप के जरिए वो गंदगी पूरी जो है बाहर पत्थरों से निकल जाए। फिर दोस्तों, पानी खाली होने के बाद आपको सावधानी पूर्वक इन अपने एक्वेरियम से पत्थरों को निकाल लेना है। सारे पत्थरों को निकाल के इसकी हम बाद में धुलाई करेंगे। पत्थर निकालते समय सावधानी बरतनी है कि कहीं ये आपके एक्वेरियम में न लग जाए और आपका कांच जो है क्रैक ना हो जाए या एक्वेरियम लीक ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक्वेरियम खाली हो चुका है। अब एक्वेरियम खाली होने के बाद हम इसकी साफ़ सफाई अच्छी तरीके से इसकी धुलाई करेंगे। ये आपको दिख रहा है, ये पूरी इसमें गंदगी है और मछलियाँ लगभग इसी से बीमार होकर मरती हैं। तो हमें अपने एक्वेरियम की समय समय पर साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, मैं एक्वेरियम को बाहर ले आया हूँ। एक्वेरियम काफ़ी मेरा गंदा था, तो इसमें आपको थोड़ा साबुन या सर्फ की मदद से आप इसको साफ कर सकते हैं। ये देखिए, जहाँ पे पानी के निशान और दवाई के निशान बने गए हैं वो वहाँ पर आपका एक्वेरियम देखने में बहुत ही बुरा लगता है। तो दोस्तों, आप उसको हल्के से पॉलीथीन में सर्फ लगा के या और किसी चीज़ से इसको साफ कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको अपने एक्वेरियम को रगड़ के साफ़ करना है। ज़्यादा लोहे की जाली वगैरह से रगड़ना नहीं है, जिससे कि कांच में स्क्रैच आ जाते हैं। और ध्यान रखना है, जहाँ पे सिलिकॉन लगा है किनारे, उसको भी ज़्यादा रगड़ के साफ़ नहीं करना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक्वेरियम को साफ़ कर दिया है और बीच बीच में मैं इसको एक दो बार पानी से धो भी दिया है, जिससे कि कोई साबुन वगैरह इसमें ना रह जाए। आपको इस चीज़ का अच्छा खासा ध्यान रखना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक्वेरियम को बिल्कुल अभी साफ़ कर दिया है। अब इसकी जो है फाइनल इसकी जो है पानी से धुलाई करेंगे। उससे पहले आपको धुलाई करने से पहले जब आप उसको धो देते हैं, उसके बाद एक कटोरी में नमक लेना है 2 चम्मच और पूरे एक्वेरियम में आपको नमक लगा देना है। ध्यान रहे कि पहले आप उसको धो लीजिए, जिससे कि कोई साबुन वगैरह आपके एक्वेरियम में ना रह जाए। अगर साबुन वगैरह थोड़ा बहुत रह जाता है तो या उसकी महक रह जाती है तो ये नमक उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसलिए धोने के बाद एक्वेरियम में अच्छी तरीके से पूरे एक्वेरियम में नमक लगा देना है। नमक लगाने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, एक्वेरियम को दोबारा एक बार और अच्छी तरीके से धो देना है। ये देखिए, मैं इसको धो रहा हूँ इसीलिए कि अगर कहीं पे भी थोड़ी बहुत नमक
या सर्फ वगैरह की कहीं भी साबुन की मात्रा रहेगी तो वो बिल्कुल इससे नमक से ख़त्म हो जाएगी और कोई भी महक जो है साबुन की आपके एक्वेरियम में नहीं आएंगी, जिससे आपकी मछलियाँ जो हैं मरेंगी नहीं। फिर दोस्तों आपको क्या करना है कि एक्वेरियम से जो आपने पत्थर निकाले थे उन सभी पत्थरों को अच्छी तरीके से 4-5 बार पानी से धोना है, जिसमें उसमें जो भी गंदगी हो वो सब निकल जाए और आपका एक्वेरियम का पानी लंबे समय तक साफ रहेगा। देखिए आपको इसमें गंदगी बहुत सारी दिख रही होगी, तो इसको आपको 4-5 बार धोना है। उसके बाद आपको सावधानी पूर्वक अपने एक्वेरियम में धीरे धीरे इनको सबको भर देना है। ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें पत्थर भर दिए हैं पूरे और उनको सावधानी पूर्वक जैसे कि आप पूरे एक्वेरियम में आप उसको बिछा दीजिए। पत्थर साफ रहने से आपका एक्वेरियम लंबे समय तक साफ रहेगा पानी, अगर पत्थर गंदे रहेंगे तो पानी तुरंत गंदा हो जाएगा आपका। फिर आपको क्या करना है कि अच्छी तरीके से जो उसमें आपने फिल्टर लगा रखा है उसको बढ़िया तरीके से धोना है और हो सके तो आप फिल्टर को हर हफ्ते धो दीजिए, जिससे कि आपका पानी काफ़ी लंबे समय तक साफ रहेगा। फिल्टर में सबसे ज़्यादा गंदगी होती है क्योंकि वही पानी को फिल्टर करता है। धोने के बाद आप फिल्टर को एक्वेरियम में लगा दीजिए। फिल्टर लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि पानी जो है एक्वेरियम में भरने के बाद जो भी उसमें मेडिसिन आपको डालनी है, जो कि आप दुकान से खरीद सकते हैं, जहाँ से आपने एक्वेरियम खरीदा या फिश खरीद के लाते हैं वहाँ से आप खरीद के एक्वेरियम में मिला दीजिए। ये लीटर के पानी आपके जो भी टैंक में आता है उसके लीटर के हिसाब से इस मेडिसिन को मिलाया जाता है। दो प्रकार के ये अधिकतर मिलाए जाते हैं, एक आपको देखा होगा ब्लू कलर का है और ये आपका एक येलो कलर का है। येलो कलर वाला थोड़ा कम मात्रा में मिलाया जाता है और ब्लू वाला थोड़ा ज़्यादा मिलाया जाता है, ये आप लीटर के हिसाब से मिला सकते हैं। उसके बाद आपको 2 चम्मच नमक लेना है, ये भी आपके पानी की कैपेसिटी के हिसाब से आपको नमक लेना है। उसके बाद आपको नमक को क्या करना है अपने टैंक में मिला देना है और पूरे को अच्छी तरीके से पूरे पानी को एक बार मिला देना है, जिससे कि आपकी मेडिसिन और नमक वगैरह पूरे पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि फिश को जो है मछलियों को इसके अंदर डाल देना है, पर दोस्तों ध्यान रहे कि एक्वेरियम की साफ़ सफाई करते समय कि आपका जो भी टैंक का पानी का टेम्परेचर था उसी टेम्परेचर का आपको पानी भरना है। सर्दियों में जब थोड़ी दोपहर हो जाए और गर्मियों में शाम के समय अपने टैंक का पानी खाली करना है, जिससे कि पानी का टेम्परेचर बदली ना हो और मछलियाँ आपकी मरे ना। दोस्तों आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया।